दोस्तों, मैं हूं सचिन, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इस क्रिकेट बुलेटिन में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि दोस्तों अहमदाबाद टीम के साथ तीन ऐसे दिग्गज खिलाड़ी जुड़े हैं। दोस्तों इस बार लगता है कि अहमदाबाद की टीम चैंपियन बनेगी। दोस्तों वह कौन से खिलाड़ी है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आप अहमदाबाद की टीम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले कुल 27 खिलाड़ियों को पुरानी टीमों ने रिटेन किया है। और दोस्तों बात की जाए तो इस बार दो नई टीमें आई है, लखनऊ और अहमदाबाद। दोस्तों बात की जाए तो अहमदाबाद की टीम से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा मुख्य कोच के तौर पर जुड़े हैं। इसके बाद दोस्तों बात की जाए दूसरे खिलाड़ी की तो दूसरे खिलाड़ी है इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज विक्रम सोलंकी, जिनको क्रिकेट डायरेक्टर बनाया गया है अहमदाबाद की टीम का, और दोस्तों बल्लेबाजी कोच की भी भूमिका निभाएंगे। और दोस्तों तीसरे खिलाड़ी है गैरी कस्टन। दोस्तों गैरी कस्टन को कौन नहीं जानता है। साल 2011 में टीम इंडिया को 28 सालों के बाद चैंपियन बनाने वाले गैरी कस्टन इस बार अहमदाबाद की टीम से जुड़े हैं, वो भी एज अ मेंटर के रूप में। तो बात की जाए लखनऊ की तो लखनऊ ने अपने मेंटर कोच और बॉलिंग कोच बल्लेबाजी कोच को अनाउंस कर दिया है। लेकिन दोस्तों अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद ने अभी अनाउंस नहीं किया है कंफर्म। लेकिन दोस्तों ये औपचारिक सी बात है कि वह अनाउंस होना। लेकिन दोस्तों इससे पहले ये बात हो चुकी है, इन तीन दिग्गजों से वह पहले ही मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों उसके बारे में अनाउंस नहीं किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप ये सोचते होंगे कि अहमदाबाद ने अभी तक इन लोगों का औपचारिक नाम अनाउंस क्यों नहीं किया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी वजह यह है कि लेटर ऑफ इंटेंट अभी नहीं मिला है, इसलिए अहमदाबाद की टीम अभी अनाउंस नहीं कर सकती है। और दोस्तों जो बाकी जो तीन खिलाड़ी रिटेन करने हैं वो भी अभी नहीं कर सकती है, क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट का अभी नहीं मिला है। दोस्तों बात की जाए तो गैरी कस्टन की बात की जाए तो गैरी कस्टन एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने साल 2011 में टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। तब वह टीम इंडिया के कोच थे और साल 2011 के बाद वह अपने पद से हट गए थे। तो बात की जाए तो आशीष नेहरा, दोस्तों आशीष नेहरा की बात की जाए तो आशीष नेहरा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए बढ़िया प्रदर्शन किया है। दोस्तों उनकी बात की जाए तो उन्होंने 17 टेस्ट, 120 वनडे और 27 टेस्ट मैच खेले हैं। टीम इंडिया के लिए उन्होंने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है। और दोस्तों कोचिंग की बात की जाए तो दोस्तों वह आरसीबी के लिए आईपीएल में जुड़ चुके हैं पहले, लेकिन दोस्तों आरसीबी तब चैंपियन नहीं बना था। लेकिन दोस्तों आशीष नेहरा अहमदाबाद की टीम के साथ मुख्य कोच के तौर पर काम करेंगे और गैरी कस्टन जो कि मेंटर के तौर पर काम करेंगे। तो दोस्तों ये तीन ऐसे दिग्गज खिलाड़ी है, विक्रम सोलंकी, गैरी कस्टन और आशीष नेहरा, ये तीन ऐसे खिलाड़ी है जो इस बार अहमदाबाद की टीम के साथ जुड़ जाएंगे, वो भी सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर। और दोस्तों बात की जाए तो अहमदाबाद की टीम जो कि औपचारिक तौर पर अनाउंस कर देगी थोड़े ही टाइम के बाद। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा।